नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एनवीटेक में। तो इस वीडियो में बात करूंगा पेटीएम के एड मनी के रिलेटेड ऑफर्स के बारे में, ठीक है। तो पहले भी बहुत सारा ऑफर्स मैंने ऑलरेडी लाइव हो चुका है, लेकिन अभी जो ऑफर लाइव हो चुका है मतलब सभी के लिए, सभी यूजर्स के लिए लाइव हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, तो कैसे क्या करना है, कैसे आपको क्लेम करना है, कैसे ऑफर को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब यूजर स्पेसिफिक अकाउंट्स ऑफर्स भी है जो आपको 3000 रुपीज़ ऐड करने के लिए, मतलब 5000 रुपीज़ ऐड करने के लिए 3000 पॉइंट्स दे रहा है, और ऐसे करके बहुत सारा आपका यूनिक ऑफर्स, अकाउंट स्पेसिफिक ऑफर्स बहुत सारा है। लेकिन ये जो है ऑफर मतलब 6000 पॉइंट्स वाला, 6000 पॉइंट्स ऑन ऑटो एडिंग मनी, मतलब ऑटो टॉपअप वाला, ठीक है। तो अभी मैं पेटीएम ऐप के अंदर दिखा देता हूँ आपको। तो पहले आपको पेटीएम ऐप खोल लेना है, इसके बाद नीचे में जाना है, एकदम नीचे कैशबैक एंड ऑफर सेक्शन में जाना है। आपको ये ऑफर सभी के लिए अभी दिखने को मिल जाएंगे। अभी बेसिकली यहाँ पे चेक करना योर एक्टिव ऑफर्स, यहाँ पे आपको यूजर स्पेसिफिक ऑफर सबको देखने को मिल जाएंगे, और भी मतलब यहाँ पे और भी ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे अकाउंट में ये है, मतलब ये टाइम स्पेसिफिक है, 31 जुलाई, 5000 ऐड करने के लिए 3000 कैशबैक पॉइंट्स मिलेगा। ऐसे करके बहुत सारे ऑफर्स मतलब अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग ऑफर्स अलग अलग अकाउंट्स में दिया जाता है, तो ज़रूर से चेक कर लेना। लेकिन ये वाला ऑफर जो है अभी सभी के लिए एलिजिबल हो गया है, ठीक है। 6000 पर कैशबैक पॉइंट्स ऑन एडिंग मनी, ऑटोमेटिक एडिंग मनी टू योर वॉलेट, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। 6000 कैशबैक पॉइंट्स आपको 3 महीना में मिलेगा, 1 महीना में आपको 2000 करके मिलेगा, मतलब इसका वैल्यू है 20 रुपीज़, ठीक है। दो बार ही आपको वॉलेट में टॉप अप करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली टॉप अप योर वॉलेट ट्वाइस टू गेट 2000 कैशबैक पॉइंट्स इन जून 2022। ये ऑफर्स मतलब पहले से ही था, लेकिन अभी सभी के लिए तो हो गया, लेकिन ये पहले से ही रनिंग हुआ था। तो देख लेना, अभी जून के लिए हो गया, जुलाई के लिए हो जाएगा, इसके बाद अगस्त के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 महीने के लिए हो जाएंगे। तो अभी क्या करना है, ऑटो एड मनी में क्लिक कर देना है, मतलब ऑटोमेटिक एड मनी जो है आपको सेटअप करना है। यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे कि 500 दे के देखता हूँ, ठीक है। 500 दे के देखता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन किस लिए है, आपको जब भी आपका अकाउंट मतलब पेटीएम वॉलेट जो बैलेंस है 500 के नीचे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जितना भी अमाउंट सेट करते हो ना, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए 1001 ऐड करता हूँ, तो बेसिकली आपको 1000 करना है, ठीक है। 1000 के आसपास कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 1001 कर देता हूँ, और जब भी मेरा 500 के नीचे चला जाएगा पेटीएम वॉलेट का बैलेंस, तब भी मेरा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसीड में क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको ढेर सारा बैंक मिलेगा, मतलब जितना भी आपका बैंक लिंक किया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको पेटीएम पेमेंट बैंक आप चूज़ करें, आपका अगर है तो, और वैसे भी कोई भी बैंक आप चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक का इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड देके मैं ऑटोमेटिक जो है सब्सक्राइब कर लेता हूँ, एक्टिवेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का पासवर्ड मैंने दे दिया है, और यहाँ पे पेमेंट 1 रुपीज़ का सब्सक्राइब मैं कर लेता हूँ। अभी मेरा सब्सक्राइब करने के बाद मेरा ऑटोमेटिक एड मनी एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अभी जब भी मेरा पेटीएम वॉलेट में मतलब जब भी मेरा 500 के नीचे बैलेंस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 291 प्लस मेरा कुछ यहाँ पे फास्टैग का भी बैलेंस है, 291 प्लस 250 मेरा, ऑफकोर्स मेरा 500 के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ, मैं पेटीएम वॉलेट एम्प्टी कर देता हूँ। सो 291 जो है 290 रुपीज़ में बैंक में सेंड कर लेता हूँ, 290 रुपीज़ सेंड करने के बाद मेरा अकाउंट बैलेंस में कितना हो जाएगा, मतलब फास्टैग का है 250, तो 260 के अराउंड हो जाएगा। तो देखते हैं अभी, देखो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 290 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिया, मतलब यूज्ड अप कर लिया। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो। एक कॉल आया रुपये, तो मेरे पेटीएम से ही अभी कॉल आया था, लेकिन फ्रॉड कॉल था, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं क्या किया था, मैंने ऑटोमेटिक ऐड किया था, ठीक है। तो मैंने विदड्रॉ कर लिया है, अभी देखते हैं मेरा ऑटोमेटिक ऐड हुआ कि नहीं। देखो मेरा ऑलरेडी 290 रुपीज़ मैंने विदड्रॉ कर लिया था, इसके बाद ऑटोमेटिक मेरा ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शायद पेटीएम मनी एडेड टू पेटीएम वॉलेट 1001। देखो मेरा, मैंने सेट किया था 500 क्या अमाउंट सेट किया था, मैंने 500 के नीचे सेट किया था, ठीक है। तो 500 के नीचे मेरा अकाउंट बैलेंस चला गया, मतलब पेटीएम वॉलेट बैलेंस चला गया, तो ऑटोमेटिकली 1001 ऐड हो गया। तो अभी मैं दोबारा वही प्रोसेस करता हूँ, मतलब ट्वाइस करना है ना ऑटोमेटिकली एड मनी जो है ट्वाइस करना है, तो इसलिए मैं फिर से करता हूँ क्या, फिर से मैं मेरा पैसा जो है निकाल लेता हूँ, बैंक में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, 700 ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो मेरे अकाउंट में रहेगा
300 प्लस 250, मतलब ज़्यादा निकालना पड़ेगा, मैं 900 निकाल लेता हूँ। 900 निकालने से मेरा अकाउंट में रहेगा 250 प्लस 100, 350 रहेगा। तो ऑलरेडी जो मैंने 500 सेट किया था तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो मैं 900 में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो देखो 900 ट्रांसफ़र करते ही मेरा कितना हो जाएगा, 500 के नीचे हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, 900 ट्रांसफ़र किया था और 1000 ऐड हो गया, 1000 दोबारा ऐड हो गया। देखो यहाँ पे 1033 है, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अभी जो है मेरा ऑफ़र काउंट होना चाहिए, अभी देख लेते हैं कैशबैक एंड ऑफर सेक्शन में। स्क्रैच कार्ड मिल गया है, देखो स्क्रैच कार्ड में, स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे 2000 कॉइन्स मिल गया। ठीक है, तो ये जो है पर मंथ, मतलब ये मंथ के लिए मेरा हो गया। अभी आपको याद रखना है, आपका अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड मनी जो है सेटअप किया हुआ है, वो आपको डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि आपका कहीं पे भी आपका वॉलेट बैलेंस तो ऐड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऐड बार बार होता रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पेटीएम बैलेंस में सेक्शन में जाना है, पेटीएम वॉलेट सेक्शन में जाना है। इसके बाद ऑटोमेटिक ऐड मनी ये जो है आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, ये जो है आपको कैंसिल कर देना है, कैंसिल ऑटोमेटिक ऐड मनी, कैंसिल इट। और दोबारा आपको यही प्रोसेस करना है नेक्स्ट महीने में, मतलब अभी जुलाई ख़त्म होने हो जाएगा, इसके बाद अगस्त में आपको फिर से वही प्रोसेस कर देना है, तभी आपको कैशबैक जो है आप अर्न कर पाओगे, मतलब 2000 कैशबैक पॉइंट्स अर्न कर पाओगे 20 रुपीज़ के हिसाब से। अभी आपको जो जितना भी आपका कैशबैक पॉइंट्स मिला है वो आपको कैसे रिडीम करना है, देख लीजिए, आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो है रिडीम नाउ में क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑफ़र्स मिलेगा। ठीक है, ऑफ़र्स में भी आप रिडीम कर सकते हो, और जो है आप पेटीएम बैलेंस में भी ले सकते हो। कन्वर्ट पॉइंट्स इनटू पेटीएम बैलेंस, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दूसरा ऑफ़र्स यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप यहाँ पर देखे, यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। 1100 पॉइंट्स इज इक्वल टू 10 रुपीज़ आप पेटीएम में गिफ्ट वाउचर ले सकते हो, आपका पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएंगे कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो फिलहाल मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो बस यही था वीडियो में, इतना ही दिखाना था आपको 6000 वाला पॉइंट्स ऑटोमेटिक ऐड वाला कैसे करना है एक्टिव। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइए गाइस, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।